तरह से ये कंपनी पैसा बांटती है, बड़े ध्यान से सुनना, कितनी तरह से। तीन, पहला 32 परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल बोनस। जब इस सिस्टम की आप शुरुआत करोगे, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना, ये बिजनेस ऐसा चलेगा। और एक बार नहीं, सैकड़ों बार बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, और ज्यादातर लोग इसको यही छोड़ते हैं। मैं बताऊंगी क्यों बढ़ता बढ़ता है, बताऊ कब बढ़ता है और कब घटता है। जब ये बिजनेस आप किसी को समझाने गए, आपने उसको समझा दिया, तब ये बिजनेस बढ़ता है। जब ये बिजनेस आप किसी को समझाने गए, उसने आपको समझा दिया, घटता है। और मिलेंगे समझाने वाले, जाओ तो सही बाहर। जैसे आप बाहर जाओगे, आप किसी को कहोगे, भाई साहब हमारी जो भूमेन टेबलेट है ना, तरेपन न्यूट्रिशन है, तरेपन, और आपने समझा दिया, वो आपको समझाएगा। 60 क्यों नहीं डाले, अब उसने समझा दिया, अब आप क्या कहोगे। भाई साहब देखा जाए तरेपन भी बहुत है, तरेपन तो खाओ अभी। आप जो कह रहे हो ना 60 डल्ले, 60 ही चाहिए थे, पर एक्चुअल हमारी टेबलेट में आए नहीं, हमारा टेबलेट छोटा है। पर हमारी अप्लाइंस से बात हुई है, वो कह रहा है अगले साल बड़ा टेबलेट बन जाएगा, तब हम ये भी डाल देंगे। अब उसने समझा दिया, अब क्योंकि आपको ये नहीं पता कितनी रिक्वायरमेंट होती है शरीर की, आपके शरीर को कितने चाहिए, कितनी एक शरीर की क्षमता होती है यूज करने की, उसने कहा 60। और इस बिजनेस में दो ही चीजें देखना, काम कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ स्मार्ट वर्क, क्या अच्छे रहो, अच्छे कपड़े पहनो, लोगों से अच्छी बात करो, लोगों को समझाओ, यही कॉन्सेप्ट है, आसान है काम। भारी क्या है, भारत के लोगों को समझाओ। आप देखो अभी कोई लीडर यहाँ से बोल रहा, आप भी कहते हो अभी किसी आरसी वाले से पूछो तुम समझ गए ये, हाँ समझ, फिर क्या समस्या, उसको समझाओ, क्योंकि वो नहीं समझ रहा, क्योंकि मामला तो उसको समझाने का, बिजनेस तो तब बढ़ेगा जब वो समझेगा। थोड़ा क्लियर करें इसको। एक बार एक 20 साल का लड़का डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन, वो मानसिक रूप से बीमार हो गया, वो कुत्तों को देखकर डर जाता था, जैसे कुत्तों को देखता था घर में भागता था, घर वालों को बोलता था दरवाजा बंद कर कुत्ते खा जाएंगे। उसके घर वाले डॉक्टर के पास ले गए, जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थे, तो डॉक्टर ने कहा घबरा हुआ ये बच्चा है, किसी कारण डर गया है कुत्तों से, इसका हल्का फुल्का ट्रीटमेंट करेंगे, इसकी साइकोलॉजी को अपडेट करेंगे। साथ एक ही है, इस लड़के को हर महीने मेरे से मिलाओ, इसके साथ मीटिंग करूंगा, और एक साल बाद ये लड़का बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हर महीने डॉक्टर से मिलता था वो लड़का, डॉक्टर से हाथ मिलाता था, और बेटा ओके, हाँ ओके, ठीक हो, हाँ ठीक, अच्छा महसूस हो रहा है, डरोगे नहीं ना कुत्तों से, तुम इंसान हो ना, वो जानवर है, मार सकते हो तुम उसको, समझ गए। ये कहानी 11 महीने चली, 12वें महीने लास्ट मीटिंग थी डॉक्टर के साथ, जैसे ही वो अंदर घुसा डॉक्टर ने बोला आ गए बेटा आज अपनी लास्ट मीटिंग है, पता है तुमको, हाँ कैसे हो अभी सब ओके फाइन, हाँ फाइन, डरोगे नहीं ना, पक्का समझ ले, समझ ओके जाओ। जैसे वो केबिन के बाहर निकला, 5 कुत्ते दिखे, फिर भाग गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा अब क्या हुआ, बोले मैं तो समझ गया, उनको जो समझाओ। मामला है उनको समझाने और ये चले, वो कई बार लोग आपको समझाएंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस सिस्टम का एक ही टारगेट है, धीरे चलो चलते रहो। मैं पहली बार जब आरसी मैंने शुरू किया, मैं आपको थोड़ा सबक कराना चाहता हूं कि सिस्टम कैसे काम करता है। 3 साल हो गए इस बिजनेस ने मेरे को रुला दिया, जिसको ज्वाइन करा था वो काम नहीं करता, 7,000 लोग मैंने ज्वाइन कर दिया, इतने भी काम नहीं किया, 7,000 जॉब को छोड़ चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, जब सर्दी का टाइम होता ना ठंड का महीना, मेरे पास गर्म कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे, मैं शर्टों के नीचे अखबार लपेट के इस बिजनेस को करता था। जब मैं बाइक पे चलता था मेरा हार्ट ठंड में पड़ जाता, मेरे को ऐसा लगता था मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया अपने जीवन का। तो जब मैं घर आता मेरी पत्नी मेरी आंख को देख के बोलती थी शायद आप रोए हो, मैं बोलता नहीं, मच्छर गिर गया था मैंने रगड़ा तो आंख लाल हुई, बोले नहीं मैं जानती हूँ इतने साल से आपके साथ रहती हूँ, तकलीफ तो है आपको। और उसने एक दिन बैठा के मेरे को कहा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, इस काम को छोड़ दो, अभी आपसे नहीं होगा, आप थक चुके हैं,
बहुत परेशान हो, मैं रोज देखती हूँ। तो मैंने उसको एक बात कही, देखो मैंने तुमसे पूछ के किया था, तुमने हाँ की तो मैंने किया, तुम मना करती हो तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन ये कोर्स 5 साल का है, मेरे को 3 साल हो चुके हैं, तुम्हारी इजाजत हो तो मैं 2 साल लौटूंगा। तो मेरी पत्नी ने कहा दोनों भले 10 साल और करो, लेकिन अपने इस बिजनेस के जो गुरु जी है उनसे मिल के आओ और उनको पूछो कुछ अच्छा भी होगा या ऐसा ही रहेगा। मेरे जो इस बिजनेस के गुरु है वो है श्री मुकेश जी कोठारी। लोग जानते हैं मैं रहता हूँ एमपी, वो रहते हैं राजस्थान, हमारे यहाँ से लगभग 255 किलोमीटर। तो मेरी पत्नी ने कहा देखो अगर आपको करना है तो मेरे गुरु जी से मिलो, मैं तभी इसको करने दूंगा। मैंने फोन किया, मैंने कहा सर आप कहाँ हैं, भीलवाड़ा। क्या हुआ दिनेश? मैंने कहा सर मैं मिलना चाहता हूँ। बताओ कुछ इमरजेंसी? नहीं सर मिल गई, बात करेंगे। मैं भीलवाड़ा गया, वो मिले, मैंने उनके पैर छुए और मैंने उनको कहा सर मैं थक चुका हूँ, बहुत परेशान, घबरा मत, बैठ बैठ, पानी मंगाया मेरे को, पानी पिलाया, फिर चाय मंगवाई, चाय पिलाई। मैंने कहा सर पति ने कहा कोई मंत्र दो, इसका कोई मंत्र बताओ, ये गड़बड़ है सर। तो चाय पिलाने के बाद उन्होंने मेरे को कहा दिनेश इसमें कोई मंत्र काम नहीं करता, लगे रहो। गुस्सा बहुत आया, मैंने कहा लगे रहो, बोले इसमें लगे रहो। मैंने कहा सर लगे मुझे 3 साल, बस बोले लगे ही रहो। अप्लाई नहीं क्या कर सकते थे, घर आ गए, पत्नी एक्साइटेड थी, मंत्र आया मिला होगा। घर आए तो पत्नी ने पूछा गुरु जी मिले? हाँ मिले, मंत्र मिला, अब मिला हो तो बताओ। हमारा चेहरा थोड़ा सा नर्वस हो गया, तो पत्नी को लगा थक गए, जर्निंग सर बैठो बैठो चाय बनाती हूँ बाद में बात करेंगे, पानी लाई फिर चाय लाई। फिर मैंने पूछ दिया अब बताओ क्या हुआ? मैंने कहा यही काम हुआ हुआ था, पहले पानी पिलाया फिर चाय। बोले फिर मैंने कहा गुरु जी मुझे एक बात कहती, लगे रहो। तो पत्नी बोलती है घर भी चाय पानी पी।